जनपद संभल के चंदोसी तहसील क्षेत्र के गांव बेरनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर फार्मास्यूटिकल दवाइयों के मरीजों से ले रहा पैसे प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क वितरण के लिए दवाई भेजती है। लेकिन जनपद संभल की चंदोसी तहसील क्षेत्र के गांव बेरनी में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात फार्मासिस्ट राजीव कुमार सरकार की योजना को पलीता लगाते हुए सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण के लिए भेजी जा रही दवाइयों को मरीजों को बेच रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदोसी तहसील क्षेत्र के गांव बेरनी में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर तैनात फार्मासिस्ट राजीव कुमार पर मेथरा से दवाई लेने आए व्यक्ति ने 2 इंजेक्शन के बदले 20 रुपए लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद जब इस विषय में फार्मासिस्ट से बात की गई तो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में 20 रुपए लेने की बात कबूली। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा पूरे मामले में फार्मासिस्ट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है। सुनने के लिए लोगों को देखो हमें जो मिलता है उचित काटते हैं तो आदमी को मेरे पास कम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डाइवर्ट करते हैं जब ये कर दो वो कर दो नहीं करता आदमी जाना पैसे भरे करते हैं ऐसा है। बहुत से लोग आते हैं हम पे 10-20 रुपए ले लो, मैंने कहा तुम हमें कितने पैसे दे दोगे 10-20 रुपए में अपना तो ऐसी इंसिडेंट कर दिया डाल गए हमने वापस क्यों दे दिए उस टाइम पर कुछ होना मना हम उसको ऐसे करके डाल देते हैं। अभी एक लोग ये तो माना है 20 रुपये लिए आप ये तो माना है गलती हो गई आपसे गलती माना है आपने तो इसको ख़त्म करो क्या डॉक्टर साहब से दवाई ली बेरनी 20 रुपये लिए 2 इंजेक्शन कौन सा अस्पताल है सरकारी। अच्छा पर्चे बनवाया था आपने उन्होंने रख लिया कितने का बना था पर्चा आपका 1 रुपये का तो पैसे किस बात के लिए इंजेक्शनों के लिए जैक्सन हो गए क्या कह रहे थे आप बोले जैक्सन 20 रुपए लगेंगे दो नाम है डॉक्टर का है डॉक्टर साहब का नाम क्या है मुझे नहीं पता था नाम नहीं पता था क्या समस्या है तुम्हारी ये है वहीं से बात कर लो बैठ के एक मिनट इधर आ बाहर क्यों भाग रहे हो आप इधर आ जाओ आप नहीं नहीं बाहर क्यों भाग रहे हो डॉक्टर साहब सामने बात कर लो उनके डॉक्टर नहीं आप कौन है फिर फार्मासिस्ट है तो आपकी जिम्मेदारी है दवाई देने की तो पैसे लेने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है पर्चा जब इनका 1 रुपए का बन गया फिर आपने इनसे पैसे किस बात के लिए मैं नहीं लिए भाई पैसे अरे नहीं भाई नोट दिया इधर आओ इधर बराबर ये जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुझसे जेंटा इंजेक्शन के 20 रुपए लिए हैं तो वो ये गलत कह रहे हैं मैंने पैसा है साहब मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ किसी से नहीं तो ये आरोप किस चीज पे लगा रहे हैं आरोप है ये मैं किसी से नहीं लेता किसी से क्या माने इनसे हमने दिया था आपको रुपए किसी को भाई ये नहीं किसको दिया आपने पैसे नहीं कह रहे आप पैसे किसी से मैंने हाथ में लिए आपसे डिपार्टमेंट रवाना था कौन डाले कौन से डिब्बे में ऐसा है आपने डिब्बे में डलवाए मैंने सुना जब आदमी पे पैसा नहीं होता खुला तो हम क्या करें नहीं डिब्बे में क्यों डलवाए आपने पैसे उसमें ये कहा गया है जो भी पैसा है इस डिब्बे में डलवाओ किस चीज का पैसा जो रजिस्ट्रेशन का जिसका भी वो तो 1 रुपया है नहीं वो तो 1 रुपया है वो यार इन पे नहीं है तो मैं क्या करूँगा एक रुपया कितने डाले टोटल आपने 21 रुपए 21 डाले आपने 20 बाद में लिए इसमें जो है उसको उठा के हम पन्नी में डाल लेते हैं अभी नहीं है उसको पन्नी में डाल डॉक्टर साहब नहीं आप डॉक्टर साहब आप जो ये हरकतें कर रहे हैं दादा 20 रुपए के लिए आप सरकार की दवाइयों को बेच रहे हैं ये बहुत बड़ा अपराध है आप झूठ क्यों बोल रहे हो नॉट फॉर सेल और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है फिर आपने किस आधार पर उसे बेच दिया नहीं बेच रहा हूँ साहब मैं तो ऐसे ही ये आपके सामने कह रहा है 21 रुपए दिए मैंने क्या क्या शुभ नाम क्या है आपका हम क्या बता रहे हैं नाम तो बताइए आप नाम क्या है आपका राजीव आप क्या पोस्ट है आपकी फार्मासिस्ट कहाँ पर तैनात है यहीं पे हूँ क्या नाम है आपका यहाँ पे जगह कौन सी है ये बेरनी कौन सा अस्पताल है पूरा बताइए ना स्वास्थ्य केंद्र नाम बताओ स्वास्थ्य केंद्र है स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट है सरकार आप पैसे ले रहे हैं अरे नहीं ले रहे साहब हम पैसे नहीं ले रहे हैं